खन्ना, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोई भी ऐसा फीचर या कुछ भी ऐसी थिंग जो हमारे प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से अलग दिखाए, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, जिससे हमारे प्रोडक्ट सारे प्रोडक्ट में से डिफरेंट दिखे। प्रोडक्ट विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हमारे प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से डिफरेंट दिखाए। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है जो हमारे प्रोडक्ट को डिफरेंट दिखा सकती है। पहला होता है शेप, साइज एंड कलर। अब पहले क्या था, जो एक माइक्रोमैक्स कंपनी है वो फोन लेकर आई थी, उसने अपना एक मोबाइल फोन लॉन्च किया था और वो कौन से शेप का था? एक स्क्वायर शेप का था। ठीक है, और उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? आई थिंक ट्विंकल खन्ना थी। उसको माइक्रोमैक्स ब्लिंक के नाम से जाना जाता था उसको प्रोडक्ट को, उस मोबाइल फोन को। तो वो एक शेप में डिफरेंस लेकर आया था। मतलब साइज जो जनरली जो मोबाइल फोन होते हैं वो कैसे होते हैं? एक रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। ठीक है, वही जो माइक्रोमैक्स का फोन था वो कौन सा था? स्क्वायर शेप का था। तो वो शेप के अंदर एक डिफरेंस था। अब साइज, हम बहुत सारी चीजें प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम मार्केट में परचेज करने जाते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के आती है, वही कलर्स भी उसके बहुत सारे डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है फीचर की बात। आप फीचर भी है ना डिफरेंट दिखा सकते हैं हमारे प्रोडक्ट को दूसरे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से। जैसे कि मान लो किसी के फोन में कैमरा है, किसी फोन में कैमरा नहीं है, तो ये क्या हो गया? फीचर। मतलब कोई भी ऐसा फीचर हो सकता है जो हमारे प्रोडक्ट को डिफरेंट दिखाए कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से, तो ये हो गया फीचर। अब नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस क्वालिटी, मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस है प्रोडक्ट की वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एलडीएफ जो टाटा मोटर्स है वो उन्होंने अपनी एक कार लॉन्च की थी, उसके अंदर वो लोग बता रहे थे कि 23.6 किलोमीटर पर लीटर का वो माइलेज देती है। ठीक है, तो वो कंट्री की मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार बन गई थी। तो इसके अंदर मतलब कि उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बाकी सारे कार्स का उस टाइम का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट होता है कॉन्फॉर्मेंस क्वालिटी। कॉन्फॉर्मेंस मीन्स टू फॉलो। इसका क्या मतलब है कि जैसे कि आईएसआई मार्क्स, अग्रेसर मार्क्स, हॉल मार्क्स वगैरह जो होते हैं, इसका क्या होता है, जैसे कि हम मान लो आईएसआई मार्क का कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। ठीक है, और उसके अंदर अब तो आईएसआई मार्क्स के अंदर बहुत सारे स्टार्स भी आने लग गए, जैसे 3-स्टार प्रोडक्ट है, 5-स्टार प्रोडक्ट है। तो जैसे हम जितने ज्यादा स्टार्स का हम प्रोडक्ट परचेज करेंगे, ऑब्वियसली बात है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी होगी। तो हम अगर इन मार्क्स का, जैसे कि हॉल मार्क्स हो गए, आईएसआई मार्क है, अगर इन मार्क्स का ही हम लोग प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है और वो आपके प्रोडक्ट को डिफरेंट भी दिखाएगा दूसरे प्रोडक्ट। जैसे आपका प्रोडक्ट 5 स्टार है, आपके प्रोडक्ट जो है आपका 5 स्टार है, वहीं जो दूसरा प्रोडक्ट है उसे 5 स्टार नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट लोग ज्यादा यूज करेंगे। अब नेक्स्ट आता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब उसकी लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए। जैसे मोबाइल फोन है, उनकी किसी की लाइफ लॉन्ग होती है, किसी की नहीं होती है। ठीक है, कुछ मार्केट में ज्यादा टाइम तक चल जाते हैं, कुछ नहीं चलते। जैसे रिलायबिलिटी मतलब ट्रस्टवर्दीनेस, ट्रस्ट भी आपके प्रोडक्ट पे होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, जैसे कि हम जो है ब्रांडेड क्लोथ हम क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो बहुत रिलायबल होते हैं, ट्रस्टवर्दीनेस होते हैं। ठीक है, हमें ट्रस्ट होता है, हमें जो ब्रांड पे ट्रस्ट होता है तभी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं। जो तो इसे जैसे सपोज करो कि एक एग्जांपल लेते हैं चाइनीज और जापानीज कंपनी का। अगर चाइनीज कंपनी और जापानीज कंपनी में से आपको बोलो कि आप कौन सा प्रोडक्ट परचेज करोगे, तो ऑब्वियसली आपको शायद जापानीज प्रोडक्ट ही परचेज करोगे। क्यों? क्योंकि वो रिलायबल है। ठीक है, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, तो रिलायबल होना भी बहुत जरूरी है हमारे प्रोडक्ट का। अब नेक्स्ट होता है रिपेयरेबिलिटी। रिपेयरेबिलिटी मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो इजीली रिपेयर हो रहा है नहीं, कितना टाइम लेता है वो रिपेयर होने में, या कितनी कॉस्ट लगती है। ठीक है, वही कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट है मान लो वो लेस कॉस्ट लेस टाइम एफर्ट में ही हो रहा है। ठीक है, जैसे कि सपोज करो कि हम घर पे बैठ के हम जो हमारी वॉशिंग मशीन है उसमें काम कर रहे थे, बट अचानक से वो ठीक से काम नहीं कर रही थी, तो हमारे पास जो नंबर था हमने उस पर कॉल किया और हमने बोला कि ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई है, तो कंपनी क्या होगा, एज सून एज पॉसिबल वो टेक्नीशियन को घर पे भेजेगी। ठीक है, और अगर मान लो कि बहुत ही माइनर सी प्रॉब्लम है तो वो क्या करेगी, या तो आपको फोन पे बता देगी या फिर व्हाट्सएप ईमेल के थ्रू आपको बता देगी। मतलब वो जितना जल्दी आपको सॉल्व कर सकती है आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व करेगी। मान लो भाई कॉम्पिटिटर्स फर्म है, जो दूसरी फर्म है वो है ना, मतलब वो टाइम ज्यादा ले रही है रिपेयर करने में और कॉस्ट भी ज्यादा लग रही है, तो क्या हो गया, रिपेयरेबिलिटी ये चीज है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब नेक्स्ट आता है स्टाइल भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे कि हमारे एप्पल के फोन आते हैं, एप्पल के फोन हमने देखते हैं कि वो कितने अच्छे तरीके से पैक होकर आते हैं, कितने सुंदर लगते हैं वो उस टाइम पे, तो स्टाइल भी मैटर करता है। अब ठीक है, तो ये
एप्पल का हो जाता है, और वही जैसे फरारी कार्स होती है वो कितनी स्टाइलिश होती है, ठीक है, तो स्टाइल मैटर करता है। और जैसे हमेशा स्टाइल मैटर नहीं करता, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे हम होटल वगैरह पे जाते हैं खाना वाना खाने के लिए, तो हम देखते हैं कि बाहर से तो होटल बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी दिख रही है, तो हम सोचते हैं कि हम चलो हम यहाँ पे खाना खा लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि हो सकता है उसका खाना इतना अच्छा ना हो, ठीक है। तो हमेशा स्टाइल मैटर नहीं करता, परफॉर्मेंस अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है एक प्रोडक्ट के अंदर। तो ये था हमारा प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, और जिनके बेसिस पे हमारा प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट दिख सकता है, ठीक है। तो ये सारी वो चीजें थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।